यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सुक्खू की अध्यक्षता में शनिवार को कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस कमेटी के सदस्य सहित कई नेता यहां पर मौजूद रहे। सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि बैठक में तीन मुद्दों पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि 29 अप्रैल को दिल्ली में होने जा रही कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की रैली में हिमाचल से 2500 कार्यकर्ता जा रहे हैं। साथ ही प्रदेश कांग्रेस की वित्तीय स्थिति पर भी विचार किया गया। कांग्रेस की खराब वित्तीय स्थिति को कैसे सुधारा जाए, इसको लेकर भी सुझाव मांगे गए। उन्होंने बताया कि इसके अलावा बैठक में लोकसभा चुनावों को लेकर चलाए जा रहे जवाबदेह सांसद हिसाबदेह सांसद को आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस द्वारा आरटीआई के माध्यम से सांसदों को लेकर ली गई जानकारी के बाद सामने आया है कि प्रदेश की जनता ने जो 4 सांसद सदन में भेजे थे, उन्होंने हिमाचल के विकास को लेकर एक भी सवाल नहीं पूछा। देखिए, प्रदेश कार्यकारिणी की आज बैठक है और इस बैठक में जो 29 तारीख को रामलीला ग्राउंड में जो रैली हो रही है, उस संदर्भ में चर्चा की जा रही है। और निश्चित तौर पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के जो आज अध्यक्ष बुलाए हैं, सबको एक टारगेट दिया है। तकरीबन 2500 के करीब हमारे जो कार्यकर्ता है, 29 तारीख को रामलीला मैदान में जो राष्ट्रीय स्तर पर रैली हो रही है, उसमें जाएंगे।